हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सब ग्रुप इन ग्रुप थ्योरी। तो सब ग्रुप क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक सेट का सबसेट होता है, तो सबसेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेट को बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि कोई भी ग्रुप है और उसको जो है सब ग्रुप जो उस ग्रुप को बिलोंग करता है। लेकिन जब हम सब ग्रुप और ग्रुप की बात करते हैं तो सब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक मेरे पास एक सब ग्रुप है, सपोज एच एक सब ग्रुप है और इसमें एलिमेंट्स है 1 and 2, एंड मेरे पास एक ग्रुप है और उसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये ग्रुप है मेरे पास, तो इस ग्रुप में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं और सब ग्रुप में 1 or 2 एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास सब ग्रुप में होते हैं वो सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग करने चाहिए, ग्रुप जी को बिलोंग करने चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन तो सब ग्रुप होने के लिए यही है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ग्रुप को भी बिलोंग करने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लाइक मेरे पास यहाँ जो ग्रुप है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में है, तो एच भी क्या करे, ग्रुप फॉर्म करे, या हम बोले एच भी जो है ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे सेम ऑपरेशन के साथ। तो अगर ग्रुप जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ है तो सब ग्रुप भी जो है वो ग्रुप के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं, इट मींस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी ग्रुप। एच जो है वो सब ग्रुप है किसके लिए, जी के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि एक तो एच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप को भी बिलोंग करें, और दूसरा एच जो है वो सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जिस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जी फुलफिल करता है। तो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इट मींस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। सो फर्स्ट कंडीशन इज एलिमेंट्स का है, एलिमेंट्स के लिए हमें चेक करना रहेगा, और जो सेकंड कंडीशन हमको चेक करना रहेगा वो ग्रुप के प्रॉपर्टीज को चेक करना रहेगा विद सेम ऑपरेशन। तो ये दो प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना है। एक बार देख लेते हैं हम इसका डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सब ग्रुप आर सबसेट एच of G is called a subgroup of G if H also forms a group under the operation this। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक सबसेट है H और एक सेट है G, या कह लो ग्रुप है एक G, तो H जो है वो सब ग्रुप कब कहलाएगा G का, जब H भी जो है एक ग्रुप फॉर्म करेगा। मतलब कहने का क्या है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑपरेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन। इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, H इज लेस देन इक्वल टू G। ठीक, तो H यहाँ पर क्या है, सबसेट है, और G क्या है, यहाँ पर ग्रुप है, या फिर हम बोले H सब ग्रुप है और G क्या है, ग्रुप है। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, रीड एज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब हम जब यहाँ पे सब ग्रुप और ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे सब ग्रुप के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ सबसेट एच ऑफ द ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन एम्प्टी एंड क्लोज्ड अंडर प्रोडक्ट एंड इनवर्स। यहां पर क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक सबसेट है एच और एक ग्रुप है जी, तो ये सब ग्रुप कब कहलाएगा जी के लिए, जब ये इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। कंडीशंस क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट H को मतलब सबसेट को बिलोंग करता है और दोनों एलिमेंट सबसेट को बिलोंग करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, सबसेट को बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं ग्रुप के लिए, ये वही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है एक सबसेट को तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए, ये भी हम ग्रुप के लिए पढ़ते हैं। फिर अगर A बिलोंग करता है, दो एलिमेंट जो है वो सबसेट को बिलोंग करते हैं, देन A B इनवर्स, ए और बी का इनवर्स, ये भी बिलोंग करना चाहिए सबसेट को। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए अगर हम सब ग्रुप और ग्रुप के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। अगर किसी भी सब ग्रुप का कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो उस ग्रुप के लिए भी होना चाहिए। लाइक मेरे पास एच है, एच एक सब ग्रुप है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट लाइक ई है, तो ग्रुप जी के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, E होना चाहिए। दोनों के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट सब ग्रुप के लिए आइडेंटिटी है तो वो ग्रुप के लिए भी आइडेंटिटी होना चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी भी एलिमेंट को हम बोलते हैं कि ये सब ग्रुप के लिए इनवर्स एलिमेंट है तो वो ग्रुप के लिए भी क्या, इनवर्स एलिमेंट की तरह ही ट्रीट होना चाहिए। अगर
मेरे पास एक इनवर्स एलिमेंट है लाइक ए इनवर्स, जो कि सब ग्रुप के लिए इनवर्स एलिमेंट है, तो ग्रुप के लिए भी क्या होगा, ए इनवर्स एक इनवर्स एलिमेंट होगा। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं हमारी। नेक्स्ट है द इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप ए एंड बी अगेन अ सब ग्रुप। अगर मैं दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन ले लूं तो जो आफ्टर इंटरसेक्शन जो बनेगा वो भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। और अगर मैं दो सब ग्रुप का यूनियन ले लेती हूं तो आफ्टर यूनियन जो भी मेरे को मिलेगा वो भी क्या होगा, एक सब ग्रुप ही होगा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास इवन इंटीजर्स हैं, ठीक, एक मेरे पास एक ग्रुप है, एक सब ग्रुप है, एक सबसेट है जिसमें कि इवन इंटीजर्स हैं केवल, और एक मैंने ग्रुप ले लिया जिसमें कि हमारे इंटीजर्स हैं, और ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑपरेशन है। तो अगर हम वहाँ पर चेक करेंगे तो हमको सारे कंडीशंस फुलफिल मिलेंगे और इवन इंटीजर्स क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। किसके लिए, एडिटिव ग्रुप के लिए। तो अगर हमको कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमको ये दिखाना है कि ये सब ग्रुप है या नहीं, तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स को ही चेक कर लेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे सबसेट में हैं वो ग्रुप को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्रुप के लिए प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जो भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब भी हमारे सबसेट में सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं विद इन द सेम ऑपरेशन। अगर होती हैं इट मीन्स दैट इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, अदरवाइज नॉट।